गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। पीएचपी एंड माईएसक्यूएल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेवलपिंग डायनामिक इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट एप्लीकेशन का मतलब है वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन। और जैसा कि हमने पढ़ा कि वेबसाइट्स दो टाइप की होती है, डायनामिक और स्टैटिक। तो डायनामिक है वो हम कैसे डेवलप करते हैं, और पीएचपी है उसका इसमें कितना अहम योगदान होता है, क्या रोल होता है, इसका हम एक ओवरव्यू इस लेक्चर में देखेंगे। पीएचपी है वो वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए पावरफुल टूल्स प्रोवाइड करती है, जिनको यूज करके हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं और इनको इजीली डेटाबेस के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। डेटाबेस का उदाहरण है जैसे कि MySQL। साथ में ही पीएचपी है वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करती है, और जो इसका डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ही सिंपल होता है। डिप्लॉयमेंट का मतलब है वेबसाइट बनके तैयार हो गई तो उसको अब काम में लेने लायक बनाना, मतलब सर्वर पर उसको अपलोड करना और उसको वर्किंग कंडीशन में लेके आना। पीएचपी एंड MySQL आर पॉपुलर ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज दैट आर आइडियल फॉर क्विकली डेवलपिंग डेटाबेस ड्रिवन वेब एप्लीकेशंस। तो ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पीएचपी और MySQL दोनों ही ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, और ओपन सोर्स क्या है इसका मतलब भी अपन देख चुके हैं। तो डेटाबेस ड्रीवन वेब एप्लीकेशन, जिनको हम डायनामिक वेब एप्लीकेशंस भी बोलते हैं, पीएचपी और MySQL की हेल्प से हम इजीली बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। पीएचपी इज अ पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज designed to enable developers to create highly featured web applications quickly. तो PHP है वो एक popular scripting language है। Scripting language मैंने बताया था, PHP है वो server side scripting है, और JavaScript है वो client side। अब scripting language क्या होती है? Scripting language का मतलब script। अब जैसे आपने सुना होगा movies जो होती है, फिल्में होती है, उनकी पहले script लिखी जाती है, ठीक है, या फिर कोई नाटक है उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसका मतलब वो जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो परफॉर्मेंस हो रही है नाटक की, उसकी स्क्रिप्ट पहले लिख दी गई है, उसकी स्टोरी की, उसमें कौन सा किरदार है, उसका क्या काम है और किसके बाद में कौन क्या काम करेगा। तो स्टेप वाइज किसके आगे क्या घटित होना है वो पहले से डिसाइड है, पहले से लिखा हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही हम लाइन बाई लाइन उसमें नाटक में जैसे मंचन होता है, मूवी जैसे बनती है स्क्रिप्ट से, तो वैसे ही हमने जब प्रोग्रामिंग की है पीएचपी की, तो हमने लाइन बाय लाइन लिखा है। अब जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा तो बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग होगा जैसा कि हमने पहले लिख दिया है, हमने डिसाइड किया है। ऐसे नहीं है कि डायनेमिकली हर कुछ घटित हो जाएगा, हमने पहले से प्लान कर रखा है कि ऐसा ऐसा घटित होना है, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और सर्वर पर चलती है, इसलिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसकी हेल्प से हम हाईली फीचर्ड वेब एप्लीकेशंस, डायनेमिक वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं। MySQL है वो फास्ट और रिलायबल डेटाबेस है, ये इंटीग्रेट हो जाता है पीएचपी के साथ में, और डायनेमिक इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए ये बहुत ही अच्छी चॉइस है MySQL डेटाबेस। इसीलिए हम MySQL को पीएचपी के साथ में काम में लेते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं। पीएचपी इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विथ ए यूनिक एबिलिटी टू एम्बेड इटसेल्फ इन द HTML कोड। तो पीएचपी है वो MySQL के साथ में तो बहुत अच्छे से काम करती है, साथ में ही ये HTML के साथ में बहुत ही अच्छे से एम्बेड होने की एबिलिटी इसमें होती है।
MySQL is a popular database and the combination works well for all kind of web applications. तो MySQL है एक पॉपुलर डेटाबेस है, और PHP और जो MySQL है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो सब तरह की वेब एप्लीकेशंस के लिए बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, जिनमें स्टैटिक वेब एप्लीकेशन हो सकता है या डायनेमिक। अब डायनेमिक में हम देखें एग्जांपल तो ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट्स हो गया, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस एटसेट्रा। द कॉम्बिनेशन इज कम्पिटेंट इनफ टू बिल्ड सॉल्यूशंस लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशंस, ई कॉमर्स वेबसाइट, ई मेलिंग सर्विसेज, वेब फॉर्म्स ईटीसी। तो ये जो कॉम्बिनेशन है PHP और MySQL का, ये इतना अच्छा है दोनों का तालमेल, आपस में कॉम्बिनेशन दोनों इतने अच्छे से इंटीग्रेट होते हैं कि इनको यूज करके हम सॉल्यूशंस बिल्ड कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशंस है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई मेलिंग सर्विस है, वेब फॉर्म्स है। आप PHP और MySQL की जो परफॉर्मेंस है, जो इंटीग्रिटी है, उसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि फेसबुक जैसी वेबसाइट जिसको एट ए टाइम करोड़ों लोग साथ में यूज करते हैं, वो PHP में डेवलप की हुई है। एडवांटेजेज ऑफ यूजिंग PHP MySQL फॉर एप्लीकेशंस। तो PHP और MySQL है, उनके क्या एडवांटेजेस हैं? पहला है ये कि ओपन सोर्स एंड हैंस नो लाइसेंस नीडेड। दोनों ही ओपन सोर्स हैं, इसलिए आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री में अपने कंप्यूटर पर इनको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपना काम इसमें कर सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस एंड स्पीड, दोनों इतने अच्छे से इंटीग्रेट होकर काम करते हैं कि परफॉर्मेंस इनकी बहुत हाई रहती है, स्पीड एग्जीक्यूशन की बहुत ही फास्ट होती है। ऑल दो इट रन्स ऑन विंडोज मशीन्स टू, बट ग्रेट रिजल्ट विथ लिनक्स बॉक्स। तो विंडोज़ के ऊपर भी बहुत अच्छी चलती है और लिनक्स के ऊपर तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती रहती है। ब्राउजर्स एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, ब्राउजर्स है उनके साथ में बहुत ही अच्छी कंपेटिबिलिटी है PHP की, और क्रॉस प्लेटफॉर्म है इनके साथ भी कंपेटिबल है। प्लगइन्स लाइब्रेरीज एक्सटेंशंस इजीली अवेलेबल विथ पेड और ओपन सोर्स लाइसेंस। तो प्लगइन्स है या लाइब्रेरीज है या एक्सटेंशंस है, वो इजीली अवेलेबल हो जाती है PHP में, ये ओपन सोर्स भी हो सकती है या पेड भी हो सकती है। फास्टर डेवलपमेंट एंड इजी डिप्लॉयमेंट, इसमें जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही तेज़ी से हम डेवलप कर सकते हैं, इसलिए फास्ट डेवलपमेंट होता है। और डिप्लॉयमेंट जो तैनाती है, मतलब जो काम में लेने लायक जो सेटअप हम कर रहे हैं उसका, वो बहुत ही ईजी है। हम वेब को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक को हम वेबसाइट बोलते हैं और वेब एप्लीकेशन, इस तरह से भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। वेबसाइट सामान्यतः क्या एडवर्टीजमेंट के लिए उपयोग होती है, जबकि वेब एप्लीकेशन है वो डेटा को मैनेज करने के लिए उपयोगी होता है। यदि हम वेब को अन्य तरीके से कैटेगराइज करें तो हम फिर से वेब को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो ये अलग अलग तरीके हैं इनको क्लासिफाई करने का। जब वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन दो तरीकों में हम इनको डिवाइड करते हैं, तो वेबसाइट एक सिंपल सी वेबसाइट हो गई जो स्टेटिक की होती है ज़्यादातर, जो एडवर्टीजमेंट के लिए काम में लेते हैं, जैसे एक बड़ा सा अपन बोर्ड लगा देते हैं ऐड के लिए, तो उसी टाइप का हम क्या करते हैं इंटरनेट के ऊपर भी एक फ़ोटो टाइप का कुछ लगा देते हैं ऐड के लिए, वो जनरली इतना चेंजेस उसमें होता नहीं है, डेटाबेस की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसमें, अगर स्टेटिक हमने बनाया तो ज़रूरत ही नहीं है, डायनामिक बनाया तो भी इतना उसमें मेहनत नहीं है बनाने के अंदर, बहुत ईजी है। वेब एप्लीकेशन है जो कि डेटा को मैनेज करता है, ये फुली डायनेमिक होता है और डेटाबेस की ज़रूरत होती है। जब फ्रंट एंड और बैक एंड में इनको क्लासिफाई करते हैं तो
फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड का मतलब जो यूजर को जो दिख रहा है बाहर से वो फ्रंट एंड होता है। बैक एंड का मतलब पीछे जो एक्टिविटीज हो रही है डेटाबेस के साथ क्या हो रहा है वो बैक एंड होता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं कंप्यूटर को मॉनिटर को देखते हैं तो मॉनिटर के अंदर जो डिस्प्ले दिख रहा है हमें तो डिस्प्ले तो क्या हो गया फ्रंट एंड हो गया, बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है। लेकिन बैक एंड के अंदर क्या है? बैक एंड के अंदर आप जैसे अगर सॉफ्टवेयर में माने आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सा आपको दिख रहा है, पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, एमएस वर्ड कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में तो क्या हो रहा है? कोई ना कोई प्रोग्राम ही चल रहा है पीछे। वेबसाइट को स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट इस तरह से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और डायनेमिक वेबसाइट उसको भी दो हिस्सों में बांट सकते हैं, क्लाइंट साइड डायनेमिक और सर्वर साइड डायनेमिक। जो क्लाइंट साइड डायनेमिक वेबसाइट होती है उसको हम इंटरेक्टिव वेबसाइट भी कहते हैं। इंटरेक्टिव का मतलब जिससे यूजर है वो इंटरेक्ट कर सकता है, मतलब बातचीत कर सकता है। अब यहाँ बातचीत का मतलब क्या है? यूजर इनपुट देता है और वहाँ से आउटपुट आता है। ठीक है, इस तरह से वो बातचीत हो गया, इंटरेक्शन हो गया, वो क्लाइंट साइड डायनेमिक होती है। तो इस तरह की वेबसाइट में क्या होता है कि क्लाइंट साइड में जावा स्क्रिप्ट या इसके किसी फ्रेमवर्क का प्रयोग करके फ्रंट एंड को इंटरेक्टिव बनाया जाता है। तो क्लाइंट साइड में अगर इंटरेक्टिव हो तो वो जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। सर्वर साइड डायनेमिक वेबसाइट है वो उसमें वेब पेज में दिखाई देने वाले जो कंटेंट्स हैं वो ज़रूरत होती है यूजर की, उसके आधार पर सर्वर में बनकर क्लाइंट वेब ब्राउजर में डिस्प्ले होते हैं। तो दो तरह के होते हैं डायनेमिक में, एक तो क्लाइंट साइड डायनेमिक और सर्वर साइड। क्लाइंट साइड का मतलब क्या हुआ? वो इंटरेक्ट तो कर रही है यूजर के साथ में, यूजर की जो ज़रूरत है उसके आधार पर उसको कंटेंट डिस्प्ले कर रही है, लेकिन वो कंटेंट है वो कहाँ तैयार हो रहा है? वो क्लाइंट की मशीन पर ही हो रहा है। और वो कौन तैयार कर रहा है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट वो तैयार कर रही है। और जब सर्वर साइड डायनेमिक होती है उसका मतलब ये हुआ कि यूजर से इंटरेक्शन हो रहा है, यूजर की ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कंटेंट कहाँ तैयार हो रहा है? वो तैयार हो रहा है सर्वर पर, और वहाँ से फिर भेजा जा रहा है उसके पास में। और सर्वर पर कौन सी लैंग्वेज चल रही है? पीएचपी, इसलिए पीएचपी को बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्लाइंट साइड के वेब ब्राउजर में यूजर के सामने दिखाई देने वाला वेब पेज फ्रंट एंड कहलाता है। तो जो यूजर को वेबसाइट दिखती है सुंदर सी, जैसे आपको फेसबुक दिखती है, व्हाट्सएप दिखता है, तो वो क्या है? फ्रंट एंड है। वो बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यूजर के लिए बहुत फ्रेंडली होता है, बहुत सुंदर दिखता है, वो फ्रंट एंड होता है। जबकि फ्रंट एंड को जनरेट करने वाला या उसमें जो मॉडिफिकेशन करने वाला जो ओनर का वेबसाइट जिस हिस्से को एक्सेस करता है उसे बैक एंड कहा जाता है। जो बैक एंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग चल रही है, जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, वो होता है बैक एंड। अब वेबसाइट का जो दिखाई देने वाला हिस्सा है उसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जो हमारा फ्रंट एंड है, जो हमारे मॉनिटर पर डिस्प्ले हो रहा है, क्लाइंट पर हमारी जो फेसबुक पेज आ रहा है या कोई सी भी वेबसाइट हम ओपन कर रहे हैं उसको भी हम तीन भागों में बांट सकते हैं। उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, स्टाइल ऑफ वेब पेज और बिहेवियर ऑफ वेब पेज। वेब पेज को स्ट्रक्चर है उसको तय करने का काम कौन करता है? HTML। HTML तय करता है कि वेब पेज की स्ट्रक्चर कैसी होगी। लेफ्ट अपर कॉर्नर में क्या होगा, राइट में क्या होगा, बीच में क्या होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर होती है वो HTML तय करेगा। वेब पेज की जो अपीयरेंस है उसको डिफाइन करेगा CSS, कैस्केडेड स्टाइल शीट्स होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो CSS डिसाइड करता है उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, कितनी सुंदर उसको बनाना है, वो CSS उसकी सुंदरता का काम करता है। और वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाने का काम करता है, उसको डायनेमिक बनाने का काम करता है जावास्क्रिप्ट। तो इस तरह से फ्रंट एंड है वो तीन हिस्सों में हो गया। उसकी स्ट्रक्चर है वो कौन डिसाइड करता है? HTML। उसकी अपीयरेंस है वो करता है CSS। और उसकी जो इंटरेक्टिविटी है
उसको डायनेमिक बनाने का काम है वो करता है जावास्क्रिप्ट। अब बैकएंड है, उसको भी हम दो हिस्सों में बांटते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड डेटाबेस। सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में सामान्यतः ASP, PHP, JSP आदि का प्रयोग किया जाता है, जबकि वेबसाइट से संबंधित डेटा को जिस सॉफ्टवेयर में स्टोर किया जाता है उसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो कि सामान्यतः SQL या MySQL होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ले रहे हैं PHP और सर्वर साइड डेटाबेस ले रहे हैं MySQL। क्लाइंट साइड से आने वाले डेटा को किस प्रकार से प्रोसेस करना है इस बात का निर्णय सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लेता है, मतलब PHP यहाँ पर, और डेटा को प्रोसेस करने के बाद उसे जहाँ स्टोर किया जाता है वो DBMS सॉफ्टवेयर करता है। तो प्रोसेस किस प्रकार से करना है वो काम है PHP का, और उसको स्टोर किस प्रकार से करना है वो DBMS MySQL का काम है। तो डायनामिक इंटरनेट एप्लीकेशंस में हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें समझ में आया होगा। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेज में नोट्स को कवर किया है, इससे आपको समझने में आसानी रहती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हम रेगुलरली वीडियोज अपलोड कर रहे हैं चैनल पर, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके जो नए वीडियोज हम जो डालेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर आपका कुछ डाउट है या आपके सुझाव है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।